गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एस थानेकर्स। आज डे 3 है, अभी बज रहा है 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम पंजिम जाने वाले हैं, तो ये 2-3 जगह है वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए फटाक से ब्रेकफास्ट करके रेडी होके मिलते हैं आपसे। हाय, सो अभी हम निकले हैं फ्रॉम होटल एंड वी आर गोइंग टू चर्च एंड सम मोर प्लेसेस टू एक्सप्लोर एंड सी, बिकॉज वी आर लिटरली बोर्ड ऑफ संजुना एंड बागान कलंगुट। वही बीच 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 देखना एंड वही। सो अभी थोड़ा सा जस्ट फॉर फोटोग्राफ्स एंड ऑल हम इतने रेडी हो गए, तो आज देखते हैं कहाँ भी कुछ भी पसंद है वे विल गो देयर। The church is going to get closed by 12:30 and अब हो रहा है 11:17, so hope to reach it by 12. तो अच्छा होगा जल्दी पहुँचो तो, because then फिर चर्च बंद हो जाएगा तो फोटोज नहीं आएंगे। Let's see. Philip Conception Church may close within 1 hour of when you arrive. Take the next left. Don't drink and drive. Red Bull है। Red Bull भी ना पियो। इतनी गर्मी में तो Red Bull चलते। Full खत्म भी कर दिया तो ना? नहीं नहीं बाकी है। थोड़ा थोड़ा सिप मार। वैसा ही होता है। ये वाले वो जो casinos हैं ना ते पता है क्या देखो? Big Daddy ना? सब सारे casinos यही वो यही वो जो bridge के नीचे था उधर ही है। जाना? मुझे भी नहीं है शाम का। तो मुझे नहीं देखा। ये क्या है? मैप इज सो कंफ्यूज्ड। यहाँ से हम ब्रिज के नीचे उतरे, फिर यू टर्न मार के फिर से ब्रिज चढ़ना है। चल ना देखते हैं। नहीं चढ़ना था ब्रिज तो काहे के लिए फिर मैप दिखा। आई नो यार, अब क्या करें? वी कैन नॉट टेक अ यू टर्न फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम हियर, अगेन द सेम ब्रिज। सी ऑल दोस कैसीनो के वो क्रूज एंड ऑल, आई होप यू गाइस कैन सी। तो वो सारे कैसीनोस के क्रूज एंड ऑल थे जहाँ पे हम नहीं जाने वाले हैं। इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं। मैं एटलीस्ट खेलने में तो इंटरेस्ट नहीं हूँ, या एक हद बार देखने के लिए इज फाइन, लाइक व्हाट इज देयर एंड ऑल इज ओके, बट आई विल नॉट प्ले एंड आई विल नॉट लेट हिम आल्सो टू प्ले। किधर फेंकने का लेके सब लोग मैप के भरोसे इधर आए? सब लोग हाँ, बहुत टू इवन टू व्हीलर्स लोग कंफ्यूज हो रहे हैं फॉर द यू टर्न्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो अभी भी हमने देखा था 3-4 बाइक्स ऐसे ही थी जो कंफ्यूज हो रही है, मैप देखते जा रही है। आई डोंट नो ऐसे क्यों दिखाता है गूगल मैप कभी कभार। तो हम फिर से ब्रिज चढ़ रहे हैं।
कोंडा करवार एंड दाबोलीम लेकिन टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है या टू व्हीलर्स इधर अलाउड नहीं टू व्हीलर्स के लिए आपको नीचे से जाना पड़ेगा उधर से आपको ऑन दिस ब्रिज टू व्हीलर्स आर नॉट अलाउड बट बहुत सारे टू व्हीलर्स को हमने देखा है टू व्हीलर्स को नीचे से जाने के लिए फोर व्हीलर्स एंड ऑल ऊपर से जा सकते हैं And we have reached. Yes. Parking का कर Finally हमें parking मिल गई. इतना ढूंढ ढांढ के. Villas लोग be aware of the police because they are going to catch hold you. I mean I cannot show in the camera but वो लोग वही side है and they are just checking for the helmet and triple seat and all. तो कोई भी two wheelers वाले आते हो तो be aware. This is the church. Visiting during service photography not allowed. Visiting hours is Monday to Saturday, 10 a.m. to 12:30 p.m., 3 p.m. to 5 p.m. So we are 12:30 ke baad aaye, so we are late. Something like this from here. Finally, after some photo sessions. निकल रहे बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे नहीं नहीं ठंडी है यहाँ स्नोफॉल हो रहा है गोवा में अभी लग रहा है ये खरीदी या सो हम आए हैं फॉन्टेनास के गलियों में एंड यू कैन सी इट हाउ ब्यूटीफुल द आर्किटेक्चर्स आर यहाँ के सारे फोटोज बहुत अमेजिंग आ रहे हैं ना इतना कलरफुल बैकग्राउंड एंड यू जस्ट नीड टू वेयर वाइट और ब्लैक जो भी है बट फोटोज बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहे हैं जिम में आए फॉर अ लंच एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट तो हम 15-20 मिनट के लिए रुके बाहर बिकॉज एसी का रूम फुल हो गया Thank you.
मेरे प्रॉन्स के पीस देखो एंड इसके प्रॉन्स के पीस देखो एंड मेरे राइस देखो कितना भर के एंड इसका राइस देखो। तो मैं इतना सा घूमती हूं, मेरे को डॉक्टर ने कम खाने बोला और मैडम ने मेरे को पूरा भर भर के इतना सब बिल्कुल प्राइस ना। सो हमने नज़ारा खाने के बाद बिल हुआ इज 940 अब तक का सबसे कम था। हाँ ये होटल में भी इतना अगर हमने खाया था तो होटल में अराउंड इसका ज़्यादा था 1500 के ऊपर है ना। इतना टेस्टी था लाइक वी डिडंट एक्सपेक्ट इट बट बहुत अच्छा था। एंड आज हमने न्यू फिश ट्राई किया, व्हाट वाज दैट नेम? चुमका। बिल पे देखना पड़ेगा सॉरी बिकॉज इतना ये सब कभी मैंने लाइफ में टेस्ट नहीं। सुभाषीष नेवर ट्राइज फिश विच ही इज नॉट सीन बट उसने जब ट्राई किया एंड उसने खाया तो पैसा वसूल एंड इतने कम इतना चीप रेट भी है लाइक वी डिडंट ईट सो चीप खाना अभी तक के लिए जस्ट दे रहे हैं 3000-4000 जस्ट दो जन का खाने के लिए एंड फूड वॉज नॉट इवन वर्थ इट। टुडे वी जस्ट पेड 940 एंड फूड वॉज वेरी वेरी वेरी। ये साइड बेटर रहेगा एंड हमने जो अभी यहाँ पे टेस्ट किया था जो हमने लिया था अभी मुझे बेस्ट लगा फिश तो लगा ऑब्वियसली एंड द राइस एंड चुना क्या समथिंग कुछ तो है एंड दैट इज इधर का लोकल लाइट फूड है। ओके हाँ हाँ दिस रेस्टोरेंट इज गोइंग स्पेशल। हाँ स्पेशल है गोइंग स्पेशल है बिकॉज सब लोग यहाँ पे वो गोइंग के लिए टेस्ट करने आते हैं। एक्चुअली हमने भी किसी का वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं इट्स जस्ट फॉर टेस्ट एंड मुझे राइस एंड प्लस करी करी कौन सा था प्रॉन्स करी था यम था। कभी गोवा पाओगे तो ये रेस्टोरेंट पे आना। मैं इसका लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे पिंग कर दूंगा एंड आप यहाँ पे आके एक खाली एक बार टेस्ट करके जाना एंड हो सके तो हमें पिक क्लिक करके यहाँ पे हमें टैग करना। तो फाइनली यहाँ से निकाल रहे हैं, बहुत टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेन्स एंड ऑल है तो यू नीड टू वॉक एंड एक्सप्लोर द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ट्रस्ट मी एंड नाउ वी आर गोइंग टू सम अदर प्लेस। इसको बाय बाय बोलते हैं कॉन्टेनर्स को। क्या है जगह पे कुछ समझ रहा नहीं बट वो कैसा स्टार्टिंग था ना क्या मैंने थोड़ा अंदर अंदर गया फिर मालूम पड़ा एक्चुअली इधर क्या है। बहुत ब्यूटीफुल जगह सोशल मीडिया के लिए इधर आओगे आप अच्छा ड्रेसअप करके एंड फोन भी हुआ तो बहुत अच्छा पिक्स आई थी। पहले हमको लगा कुछ बोल रहे कुछ बोल हाँ, हम डर रहे थे पहले फोटोज एंड वीडियोस निकालने के लिए हमने खाली लिखा था डोंट टच द वॉल बिकॉज़ एक्चुअली उनका पर्सनल हाउस है तो कोई डिस्टर्ब बिकॉज़ हर कोई एक नहीं रहता ना बट बहुत नीट एंड क्लीन है ठीक है। नहीं अच्छा मेंटेन अच्छा किया एंड इतने क्लासी क्लासी कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है ओ माय गॉड एंड यहां के भी होटल्स एंड ऑल हॉस्टल्स टाइप भी है एंड बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेस है एंड वेरी कलरफुल एंड वेरी पीसफुल प्लेस शांत है ऐसे आवाज़ नहीं कुछ नहीं वेरी काम डाउन यू नो यू कैन जस्ट काम
क्लिक योर फोटोज एंड गो अवे. खाना वाना खाने के बाद लिटरली एक आलस आ गया था, बट देन यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स मोस्टली 3 to 3:30 सब बंद हो जाते हैं, तो इसके लिए हमने पहले खाना बेटर समझा था और फिर उसके बाद वॉकिंग वॉज लाइक ऐसा लग रहा था नहीं अब वॉक नहीं करें सोच रहे इतना आलस आ रहा है. वी हैव रीच्ड हियर. द नेम ऑफ दिस इज चैपल ऑफ अ लेडी ऑफ द माउंट. तो यहाँ पे क्या है एंड देन फिर से सम फोटोज एंड ऑल एंड देन वी आर गुड टू लीव. अभी हम निकले हैं और अब जा रहे घर बिकॉज अब थक गए. बहुत फोटोज एंड ऑल ले लिया. दोनों ही प्लेसेस बहुत अच्छे थे आज एंड वी हैड गुड फोटोग्राफ्स. तीन प्लेस गए आज. कौन से ओ या द चर्च देन द फाउंटेनर्स एंड ये द चैपल ऑफ अ लेडी ऑफ द माउंट. अच्छा प्लेस था. तीनों ही बहुत अच्छे प्लेस है. तीनों ही फोटोग्राफी के लिए एंड बहुत अच्छा है. मेहनत वाले एंड कैलोरीज बर्न करने है ना. या बहुत कैलोरीज बर्न हुए बिकॉज तीनों ही ऐसे लाइक यू नो यू हैव टू वॉक एंड एक्सप्लोर बाइक एंड कार. कार तो बेसिकली नहीं, बाइक एक आधा ठीक है बट वॉकिंग इज सबसे बेस्ट. अब हम जा रहे हैं होटल. वही अपना ट्रैफिक फिर से हमें जस्ट अभी कंप्लीट हुआ मेरा एडिटिंग करके एंड मैंने ये देखा कि मैंने व्लॉग गोवा का जो था थर्ड व्लॉग उसका मैंने एंडिंग ही नहीं किया गोवा में. क्या बोलूँ तो एंड करता हूँ गोवा का व्लॉग थाने में. अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना. कमेंट में ज़रूर बताना क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, उससे मुझे भी मालूम पड़ेगा कि आपको कितना पसंद आ रहा है. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन गुड बाय.